हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाजरा कुक शो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हाजरा कुक शो लेके आया है आपके लिए एक बहुत ही डिलीशियस, इजी और यमी रेसिपी जिसका नाम है प्रीमियम फ्रेश स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम डिलाइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बेस बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडा और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप के बराबर शुगर। आपने इसको अच्छे से फेंटना है जब तक के शुगर अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो जाए। इसके बाद आपने इसमें डाल देना है छाना हुआ 1 कप के बराबर मैदा, 1/3 कप के बराबर कोको पाउडर, मैंने इसको ऑलरेडी छान के रखा था, और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून के बराबर वेनिला एसेंस। आपने इन सबको मिक्स करना है और 3 पार्ट के आपने इसमें डालना है थोड़ा थोड़ा करके दूध। दूध मैंने लिया है 1/2 कप के बराबर। अब ये देखिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा बैटर तैयार हो चुका है। इसी कंसिस्टेंसी के साथ आपने भी रखना है। एक पैन लेना है, इसमें आपने लगा देना है ऑयल और बैटर को इसमें डाल देना है। पैन को मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया था और बस डालने के बाद ढक्कन लगा के आपने इसको छोड़ देना है 20 मिनट के लिए। और ये जो पानी आपको दिख रहा है वो किसी भी चीज़ का नहीं है, बस ये हल्का सा इस तरीके से जो पैन के ढक्कन पे लगा था वो है। और आपने इसको ठंडा करने के बाद इसको डीमोल्ड कर देना है। इस तरीके से हमारा बेस तैयार हो चुका है। व्हिपिंग क्रीम लेना है 500 ml के बराबर। इस क्रीम को आपने थोड़ी देर छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर कैस्टर शुगर। अब आपने इसको अच्छे से बीट करना है जब तक कि क्रीम हमारी सॉफ्ट और फ्लफी नहीं हो जाए। और इसमें हम डाल देंगे 1 कप के बराबर स्ट्रॉबेरी पल्प। और पल्प डालने के बाद आपने इसको बहुत ही आराम से और हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। इस तरीके से हमारी मज़ेदार सी क्रीम बनके तैयार हो चुकी है। आपने इसको थोड़ी देर रेफ्रिजरेटर में 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब आपने लेना है इस तरीके सा कोई भी कंटेनर और इसके हिसाब से आपने इसका सर्कल बना लेना है इस तरीके से, ताकि ये इजीली आसानी के साथ कंटेनर में चला जाए। इस तरीके से बस आपने इसी नाप का इसको कट कर लेना है। ये देखिए, हमारे सब तैयार हो चुके हैं। अब हम क्रीम में डालेंगे कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरी चंक्स। अगर आप चाहे तो डालें, अदरवाइज आप इसको अवॉइड करें। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें फिल करेंगे हमारी मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी क्रीम। इसमें आपने अच्छे से फिल करना है और तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए आइस बॉक्स में आपने इसको डाल देना है। और ये देखिए, 6 से 7 घंटे के बाद आपने थोड़ा सा हल्का सा नीचे से प्रेस करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा और ये आपकी अच्छे से डीमोल्ड हो जाएगी। अगर आप चाहें तो ऊपर टूथपिक भी डाल दें तो ये अच्छे से निकल जाएगी। ये देखिए, हमारे सब बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है। अब हमने लेना है 3 गैलेक्सी बार और आपने इसको माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए रख देना है तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और ये देखिए कितनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है हमारी चॉकलेट। और आपने ले लेना है उसी हिसाब से एक बॉल छोटा सा, जिसमें आप अच्छे से इसके बेस को डिप कर सके। और ये देखिए, हम डिप करने के बाद इसको रख देंगे रेफ्रिजरेटर में तकरीबन 1 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और टॉपिंग के लिए आपने बना लेना है कोई भी शेप का इस तरीके से मेल्टेड चॉकलेट के साथ, तो ये ऊपर से बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आप चाहें तो ये भी डिज़ाइन बना सकते हैं अपने मुताबिक, आप कोई भी डिज़ाइन बनाए। एक पैन में आपने ले लेना है स्ट्रॉबेरी पल्प तकरीबन 1 कप के बराबर, और ले लेनी है 1 पैकेट के जितना रेड क्रिस्टल जेली।
और आपने इसको अच्छे से पकाना है। स्ट्रॉबेरी जेली हमारे अच्छे से पक चुकी है और आपने इसको रख देना है ठंडा करने के लिए। एक घंटा हो चुका है, हमारा अच्छे से सेट हो चुकी है आइसक्रीम भी और नीचे का बेस भी चॉकलेट के साथ सेट हो चुका है। और बस व्हिपिंग क्रीम आपने थोड़ी सी रख देनी थी गार्निशिंग के लिए। इस तरीके से आपने कोई भी फ्लावर या कोई भी शेप में आप अपने मनपसंद हिसाब से बनाइए। और जो रेड क्रिस्टल जेली हमने बनाई थी स्ट्रॉबेरी पल्प के साथ, उसे आपने पाइपिंग बैग में डाल के इस तरीके से बीच में आपने इसको डाल देना है। यकीन मानिए ये जेली बहुत ही यम्मी लगेगी, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप चाहे तो इसके ऊपर हल्की सी फ्रेश स्ट्रॉबेरी के चंक्स लगाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही डिलीशियस यम्मी लगेगा। जो हमने चॉकलेट की टॉपिंग तैयार की थी वो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको लगा देना है और हमारी मज़ेदार सी यमी और डिलीशियस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनके तैयार हो चुकी है। इसे आप ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। चैनल हाजरा कुक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।